नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बिहार से लेकर यूपी, दिल्ली और अमेरिका तक छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया है। आज छठ पूजा का अंतिम दिन है और उगते हुए सूर्य को अर्घ के साथ ही ये पवित्र पर्व जो है वो संपन्न हुआ है। आस्था के इस पर्व पर नदी के तटों पर श्रद्धालु उमड़ पड़े और छठ पूजा के चौथे दिन श्रद्धालु उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए गंगा, यमुना समेत अन्य नदियों के किनारे कृत्रिम घाटों पर ही इकट्ठा हुए। और वहीं चार दिवसीय छठ महापर्व के अंतिम दिन पटना में और पटना आर्टर्स कॉलेज के किनारे गंगा नदी के तट पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़े। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरम छठ पूजा समारोह में हिस्सा लेने गुवाहाटी भी पहुंचे थे और यहां उन्होंने गुवाहाटी में ही पांडु घाट पर लोगों के साथ छठ पर्व मनाया है और इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। तो आज पूरे देश में छठ पूजा का त्यौहार देखा गया जहां पर कई श्रद्धालु मौजूद रहे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उगते सूर्य को अर्घ देने घाटों पर श्रद्धालु उमड़े और देश दुनिया में आज छठ पर्व मनाया जा रहा है। बिहार से लेकर यूपी, दिल्ली और अमेरिका तक छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज छठ पूजा का अंतिम दिन है। आपको बता दें कि उगते सूर्य को अर्घ के साथ ही ये पवित्र पर्व संपन्न हुआ है। आस्था के इस पर्व पर नदी के तटों पर श्रद्धालु उमड़ पड़े और छठ पूजा के चौथे दिन श्रद्धालु उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए गंगा, यमुना समेत अन्य नदियों के किनारे कृत्रिम घाटों पर इकट्ठा हुए। वहीं चार दिवसीय छठ महापर्व के अंतिम दिन पटना और पटना आर्टर्स कॉलेज किनारे भी नदी के तट पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखी गई है। तो बता दें आपको कि छठ पूजा को लेकर कई दिनों से तैयारियाँ भी चल रही थी और कई दिनों से त्यौहार जो है वो चल रहा था और आज चौथा दिन और अंतिम दिन आज छठ पूजा का रहा। गुजरात के मोरबी में ही रविवार को हुए केबल ब्रिज हादसे में अब तक मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 141 हो चुका है, जबकि 170 से ज़्यादा लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। लोगों को बचाने के लिए रात भर राहत बचाव कार्य का काम जारी रहा, जबकि ब्रिज मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सोमवार की सुबह ही बताया कि इस मामले में आपराधिक केस दर्ज कर लिया गया है और आईजीपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में ही इसकी जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया है कि सभी रात भर राहत बचाव के काम में लगे रहे और नौसेना, एनडीआरएफ, एयरफोर्स और आर्मी के जवान घटना के बाद तत्काल मौके पर पहुंचे। रात भर करीब 200 से ज़्यादा जवान तलाशी और राहत कार्यों में लगे रहे। आपको बता दें कि मोरबी हादसे पर खुद गृह मंत्री अमित शाह की करीबी नज़र है और रात भर वे प्रधानमंत्री कार्यालय के संपर्क में भी रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने भी पूरे हालात का जायज़ा लिया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घटनास्थल की हर जानकारी दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं गुजरात से, जहाँ पर हादसे में 141 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि केबल ब्रिज दुर्घटना में 141 लोग की जान जा चुकी है और यह गुजरात के मोरबी में ही रविवार को यह हादसा हुआ है, जहां पर पहले मरने वालों का आंकड़ा कम था और अब बढ़कर 141 हो चुका है, जबकि 170 से ज़्यादा लोग अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। लोगों को बचाने के लिए रात भर बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी रहा है। और जबकि आपको बता दें कि ब्रिज मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ और गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज किया गया है। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने ही सोमवार की सुबह बताया कि इस मामले में आपराधिक केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें आपको कि आईजीपी रैंक के अधिकारी नेतृत्व में ही इसकी जांच शुरू भी हो चुकी है। उन्होंने बताया है कि सभी रात भर राहत बचाव के काम में लगे रहे हैं। आपको बता दें कि नौसेना, एनडीआरएफ, एयरफोर्स और आर्मी के जवान घटना स्थल पर मौजूद रहे हैं और रात भर करीब 200 से ज़्यादा जवान तलाशी और राहत कार्यों में लगे रहे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मोरबी हादसे पर खुद गृह मंत्री अमित शाह की नज़र है और रात भर वे प्रधानमंत्री कार्यालय के संपर्क में भी रहे हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने भी पूरे हालात का अब जायज़ा ले लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घटनास्थल की हर जानकारी भी दी जा रही है।
गुजरात के मोरबी में रविवार शाम बड़ा हादसा हुआ है और ये केबल ब्रिज अचानक टूट गया और कई लोग नदी में गिर गए हैं। अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इस हादसे में 131 लोगों की जान चली गई थी, जो अब बढ़कर 141 हो चुकी है। और इस हादसे के बाद से ही गुजरात के CM भी मौके पर पहुंचे और ये पुल मच्छू नदी के ऊपर बना था। बता दें आपको कि PM मोदी भी इस वक्त गुजरात दौरे पर हैं और ऐसे में इस हादसे के बाद सोमवार को अहमदाबाद में होने वाला प्रधानमंत्री का सार्वजनिक रोड शो रद्द कर दिया गया है और हादसे के बाद PM मोदी के कार्यालय में बदलाव किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांधीनगर में पेज स्मृति कार्यक्रम की स्थगित कर दिया गया है और यह कार्यक्रम 1 नवंबर को होना था और इस कार्यक्रम में PM मोदी को 182 निर्वाचन क्षेत्र में ही BJP कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था। PM मोदी का यह पूरा कार्यक्रम गांधीनगर में आयोजित होना था। अमित शाह ने जताया इस पे दुख भी जता दिया। उन्होंने आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है कि मोरबी में हुए हादसे में अत्यंत दुखी हूँ और इस विषय में मैंने गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और अन्य अधिकारियों से बात की है। स्थानीय प्रशासन पूरी तत्परता के से राहत कार्य में लगा हुआ है और NDRF भी शीघ्र घटनास्थल पर पहुंच रही है और इसके साथ ही प्रशासन को घायलों को तुरंत उपचार देने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहाँ पर पुल हादसे के बाद रोड शो PM मोदी का रद्द कर दिया गया है। जानकारी आपको दे दें जहाँ पर हादसा हुआ है और 141 लोगों की मौत बताई जा रही है। गुजरात के मोरबी में रविवार शाम को ही यह बड़ा हादसा हुआ और यहाँ केबल ब्रिज अचानक से ही टूटने की खबर सामने आई और कई लोग नदी में यहाँ पर गिर गए। अब तक जानकारी जो मिली थी वो 131 की मिल रही थी, जो बढ़कर अब 141 लोगों की जान इसमें जा चुकी है। और इस हादसे के बाद गुजरात के CM भी वहाँ मौके पर पहुँचे और ये पुल मच्छू नदी के ऊपर ही बना हुआ था। और बता दें आपको कि PM मोदी भी इस वक्त गुजरात दौरे पर हैं और ऐसे में इस हादसे के बाद सोमवार को अहमदाबाद में होने वाला प्रधानमंत्री का सार्वजनिक रोड शो जो है वो रद्द कर दिया गया। हादसे के बाद PM मोदी के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांधीनगर में पेज स्मृति कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया और यह कार्यक्रम 1 नवंबर को होना था। जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर इस कार्यक्रम में PM मोदी को 182 निर्वाचन क्षेत्रों में BJP कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था और PM मोदी ये पूरा कार्यक्रम गांधीनगर में आयोजित होने वाला था। आपको बता दें कि अमित शाह ने इस पर दुख भी जता दिया है। इस बड़े हादसे को लेकर उन्होंने ट्वीट कर दिया है, मोरबी में हुए हादसे में अत्यंत उन्होंने दुखी बताया है और इस विषय में उन्होंने कहा कि मैंने गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और अन्य अधिकारियों के साथ बात की है और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से राहत कार्य में जुड़ा हुआ है। देश भर के मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में ठंड के बीच बारिश के आसार हैं, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में नजर आ रही है। दिल्ली में सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का भी कहर बढ़ता ही जा रहा है और कई इलाकों का AQI बहुत खराब कैटेगरी में है। और वहीं देश के निचले इलाकों में पूर्वोत्तर मानसून दस्तक दे रहा है। तो आपको बता दें कि देश भर के मौसम का हाल जो है वो दिल्ली का मौसम जो है वो मौसम के प्रवचन के मुताबिक 31 अक्टूबर को देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में सुबह और शाम की ठंड में इजाफा होता नजर आ रहा है और इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी समेत नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में भी तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में ही कोहरे की शुरुआत हो गई है और अगले 2 दिन ऐसा ही मौसम बना रहने की जो है वो संभावना भी जता दी गई है। लेकिन प्रदूषण ने दिल्ली वालों को सांसों का पहरा जो है वो लगाया हुआ है। माना जा रहा है कि आज सोमवार यानी कि 31 अक्टूबर को दिल्ली और NCR का AQI बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में रह सकता है। तो दिल्ली में कोहरे की दस्तक साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं अगर पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ों पर भारी ठंड हो रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर प्रदूषण का साया दिल्ली पर नजर आने लग गया है। आपको बता दें कि देश भर के मौसम में ही उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिलते हैं और पहाड़ी इलाकों में भी ठंड के बीच बारिश के आसार हैं
और तो वहीं आपको बता दें कि देश की राजधानी की अगर हम बात कर लें दिल्ली की, तो इसके आसपास के इलाकों में तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। और वहीं दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में चल रही है, और दिल्ली में ही सर्दी की दस्तक के साथ प्रदूषण का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों की बात करें तो AQI बहुत ही खराब कैटेगरी में नजर आ रहा है। वहीं देश के निचले इलाकों में पूर्वोत्तर मानसून दस्तक दे रहा है। तो आपको बता दें कि दिल्ली का मौसम के अनुमान के अनुसार बताया जा रहा है कि 31 अक्टूबर को ही देश की राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में सुबह और शाम की ठंड में इजाफा होता नजर आ रहा है। और इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी समेत नोएडा की बात करें, गाजियाबाद, फरीदाबाद में भी तापमान में उतार और चढ़ाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में कोहरे की शुरुआत हो गई है और अगले 2 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना भी जता दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।